तो हेलो भाई लोग, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ हमारे फ्री फायर में कस्टम कार्ड कैसे बनाए। बहुत भाई का प्रॉब्लम आता है कस्टम बनाने के बाद, कस्टम का डाउन 4 हो जाता है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले। उससे पहले आप सभी को क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल में जो भी नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट कर दो, इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो उसके लिए आप सभी को पहले तो एक कस्टम कार्ड बना लेना है और उसके बाद उसका पासवर्ड भी दे देना है। उसके बाद गेम में जाने के बाद कॉम्पिटिटिव स्टोर करने के बाद यहाँ पर राउंड को 13 कर देना है और डिफ़ॉल्ट कॉइन को 1500 करने के बाद जो लिमिटेड एमोनो कर दो, कैरेक्टर स्किल भी ऑफ कर दो, एयर ड्रॉप भी ऑफ कर दो। उसके बाद जो एडवांस सेटिंग वाला ऑप्शन है उसमें जाओ। उसके बाद यहाँ पर आप एडवांस सेटिंग में जाने के बाद जो इकोनॉमी वाला ऑप्शन है, इकोनॉमी वाला ऑप्शन में जाने के बाद उसको एडवांस सेटिंग इनेबल करके यहाँ पर जो राउंड 7 है उसको आपको 13 करना पड़ेगा। राउंड 13 करने के बाद उसके बाद जो राउंड 1 वाला कॉइन है वहाँ पर 500 है, उसको आप सभी को 1500 कर देना है। चलो करते हैं। करने के बाद आप सभी को क्या करना पड़ेगा, ये जो 1500 कॉइन करने के बाद आप सभी को इसको सेव कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आपका जो रूम कार्ड तैयार हो चुका है, देख सकते हो। आप जब भी कस्टम कार्ड बनाओगे तभी आपका राउंड 13 रहेगा एंड डिफॉल्ट कॉइन 1500 रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बोलना, कमेंट में मिलते हैं।